चोरियों को हाथ ना लगाना। हिरासत में लेना है तो मणे ले ले। भाई साहब को हाथ ना लगाना, हिरासत में मन ले लो। रे चुप, कद्दू कट रहा है क्या यहाँ? मन ले लो हिरासत में, मन ले लो हिरासत में। जेल वाई जाएगा जिसने गुनाह किया है, हैं? अमरिंदर साहब, अरे गोते खाते हुए आदमी को ना पानी के अंदर खींचना है। तावड़ी तावड़ी दर्शन दो अति बाजार में। बाकी इंसाफ तो बाद में होगा, जब तुमने सचना बोला ना तो समझ लो। यो जगत और पुलिस कब तक बचा लेंगे तुम्हें हमसे? यो देख रहे हो, चेहरे पे लगा दिया ना तो दाढ़ी मूछ भौवे कोई फसल ना होगी दोबारा। और तुम जानते हो कि हम यो कर सकते हैं, तो माता रानी की कसम खा के बोलो, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ ना बोलोगे। बोल भाई। भाई साहब, मैं न्यू सोच रहा हूँ, माफी मांग लेनी चाहिए, वरना छोरियां स्वाद चखा देंगी। हैं? हाँ हाँ, मांग ले, सच बोलना और कुछ ना। चल तो सुनो इनकी अर्जी, इंस्पेक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। चल बोल। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, इरादा तो हमारा छोटी सी चोरी करने का था, वो तो बाद में मेरे उपजाऊ दिमाग में इल्जाम लगाने का प्लान आया। पहले झूठ क्यों बोला? हाँ, अपहरण भले ना किया हो पर मारी इज्जत सारे हाथी बाजार में उछाल दी तुम दोनों ने। धर्मपाल, माफ करना भाई, अस्पताल से आना पड़ा आपको। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कम से कम मामला सुलझते गया। और तू भी सुन, यह दुकान, ये काटेलाल एंड सन्स मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। चलो भाई निकलो, चलो ओ मीडिया वाले भाई साहब, चलो चलो निकलो। धर्मपाल जी, दुकान तो तब खुली रहेगी ना धर्मपाल जी, जब तुम कमाओगे और ईएमआई भरोगे। जब थारा सीधा अति उल्टा हो चुका है तो बैंक ये जानना चाहेगा कि तुम ईएमआई चुकाओगे कैसे। यो तो बस घाव है मैनेजर साहब, कुछ ही दिना में भर जाएगा। घाव भरते ही कमाई भी शुरू और ईएमआई भी शुरू। अरे इतना टाइम ना है बैंक के पास। बैंक चले है रोकड़ा से, हार्ड कैश। मैं यूं जानना चाह रहा हूँ कि जब तक थारा ये घाव ना भर जाता, ये काटेलाल एंड सन्स चलावेगा क्यों? कोई ना है जी। काटेलाल एंड सन्स का वारिस कोई ना है जी। जितने इसकी हड्डियों के कड़ाक के निकले हुए ना, उतने कड़ाक के निकलने के बाद तो इसका भूत भी उस तरह नहीं उठा सकता है जी। जगत, मेरे पुरखों का हाथ है मेरे सर पे, सिद्धा तो क्या यो धर्मपाल उल्टे हाथ से भी उस तरह चढ़ा सके। देखो जी, ये कही सुनी बातों पे ना मैं कान नहीं धरता। एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम ले लेते हैं, उल्टे हाथ से शेप बना के दिखा दे। अरे चलो छोड़ो बड़ी बड़ी बातें। तुरा भाई, अरे तुरा या मुच्छड़ की मूछ कतर के दिखा दे। पापा यो आपको उकसा रहा है। हाँ पापा, कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ प्रूफ करने की। तुमने मेरी बात की कदर ना की तो मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बात। तो भाई साहब मेरी बात सुन लो, मैं तो आपका आज्ञाकारी बालक हूँ, आपकी सारी बात सर माथे पर रखूँ,
अरे अपने भाई साहब पे भरोसा ना है कितने बात भरोसे की ना है डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है हाँ नहीं तो भाई साहब कुछ भी ऊपर नीचे होगी तो फिर इज्जत के साथ साथ ना दुकान की भी बड़ी चढ़ जाएगी और अब तो वैसे ही कर्जे के नीचे आ ऊ कर रहे हैं हम अरे मेरी ना सही तो इनकी सुन ले धर्मपाल अरे ये तो तेरे अपने हैं देख ईएमआई की चिंता तू मत कर उसके लिए मैं खड़ा हूं अरे बैंक में कती गुलाबी गुलाबी नोट रखाऊंगा वैसे भी मेरा जीवन तो भाई दूसरों की सेवा के लिए हुआ है बस इन कागजात पर साइन कर दे जगत जी थारे साथ है तो बैंक थारे आगे से हट जाएगा अब दुकान को भी सील करने की कोई जरूरत ना से जगत सेठ से मदद लेने से अच्छा है मैं अपना सर सांप के बिल में ना डाल दूं चल भाई फिट करी कस्टमर को तैयार कर जी बाबू जी जो करना पाए भाई साहब यो दुकान हाथ से तो ना निकल जाएगी हे भगवान आज तो इन्होंने सब कुछ लुटवाने की ठान रखी है देखो भाइयों कैसा नाई है मेरी अद्दी मुझे उड़ा दी भाई धर्मपाल ये जो होया है इससे तो यही सिद्ध हुए कि तू दुकान चलाने के काबिल ना से और जो थारी ये दुकान ना चली तो ईएमआई किससे देगा भाई तो धर्मपाल थारी ये दुकान तो सील करनी पड़ेगी अरे कल तो बड़ी बड़ी आखरी थी आज तो लगा पुस्सी बम निकला लगता है समझ में आ गई होगी तो अपने पापा जी को भी समझा देना कि भी काटेलाल एंड सन्स अब जगत सेठ के हवाले कर दें
आपको ईएमआई से मतलब है ना, तो एक बात गांठ बांध लो, यो दुकान खुलेगी भी और चलेगी भी, और आपको टेम से आपकी ईएमआई मिल भी जाएगी। तो बेहतर यो ही होगा कि आप अपना यहाँ का रास्ता ही भूल जाओ, क्योंकि काटेलाल एंड सन्स किसी भी हाल में बंद नहीं होगा और ये चैलेंज है हमारा, देख लियो। कोई ना जी, यो भी करके देख लेते। संगत तो जमा हो रही है, पर बाबा जी के दर्शन देने की ना कोई उम्मीद नहीं लग रही मुझे। इसे बात भी तो छोटी मोटी ना है, छोरियों ने भरे बाजार में भाई साहब की इज्जत उछली। ओ डट जा चंचल, ठंड रख, बीमार हैं, आंख लाग गई होगी, आ जाएंगे। आप ना अगरबत्ती जला लो अपने भाई साहब के नाम की, उनका नाम जबान पे आते ही ना मुंह से फूल झड़ने लगते हैं। मुझे तो लगता है दरवाजा बंद करके पापा जी हमारी पनिशमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। आज तो मेरे पास प्लान भी ना है पापा जी के गुस्से से बचने का। बाल मुंडने पे कर दी थी शादी फिक्स हमारी, इस बार चार्ज है किडनैपिंग का, के होगी खातिरदारी ही। गले में क्या पहन रखे है जी? कोई मन्नत मांग रखी है क्या भाई साहब? हैं? किसी बाबा जी ने कहा है यो ताबीज पहनने को? रहने देना। मुझे चुप करा के क्या होगा जी? हैं? इतनी सी बात किसी की समझ में नहीं आ रही कि छोरियों पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक कह रही है चंचल, पानी सर से ऊंचा उठ रहा है। नरमी से, प्यार से बहुत पैसा लिया मैं। आपके गले की सोने की चेन कहाँ गई? अरे सोना चांदी का के करेगी कुसुम, जब छोरिया तेरी सही गलत का अंतर नहीं पहचान रही। हॉस्पिटल का बाकी बिल और दवाइयों का खर्चा चुकाने के लिए गिरवी रख दी चेन। मैंने बार बार हजार बार तुमसे कही थी कि हाथी बाजार और अपने दुकान से दूर ही रहना, पर तुम्हारे कामा में जू तक ना रहेंगी। धर्मपाल की छोरिया गली गली उदम मचाती घूम रही है, सब जानते हैं, पर इस दफा तो तुमने हद्दी कर दी, गली के गुंडों से ही गुंडा कर दी। सारा हाथी बाजार मजे ले रहा है। पापा हम तो मुंह पे उंगली रख के चुप खड़ी रहे। जब सही सलामत था, हाथ पांव चल रहे थे मेरे, तब नजर ना रख पाया। इब तो बजरंग बली ने मने कुर्सी से बांध दिया है, तो मेरे पास और के उपाय? यो ताबीज देख रहे हो तुम लोग, जहर भरा है इसमें। हैं? जहर, जहर भरा है। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, आज से बल्कि अभी से तुम छोरियों के हाथ में सौंप दी। ये तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो समझ लो तुम्हारे पापा के गले में पड़ा
जो फांसी का फंदा तुमने अपने हाथों से खींचा है। ऐसा भी कोई करता है पापा? हमारी कीकी सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो आप? अब तो मैं फैसला ले चुका हूं बेटा, इससे पीछे हटने की ना तो कोई गुंजाइश है ना इरादा। अब तो मैंने जिंदा देखने का एक ही तरीका है, सीधा सीधा एक ही लाइन में एक ही पटरी पर चलते रहो। कैंसिल, दुकान के सारे प्लान कैंसिल। पापा की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी ना है ना। तो जगह सेठ के सामने जाके नाक रगड़ाते हैं ना, माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। कभी कभी ना मैं यही सोचूं कि एक्टिंग आई कहां से मेरे खून में। तब ये आज पापा जी का मेलोड्रामा देख के ना पता चला, सेम डीएनए। यहाँ पे मम्मी आंसू बहा जा रही है और वहां पर पापा बड़ी बड़ी हाँके जा रहे हैं। अरे किसने कहा था ऐसी हालत में बाएं हाथ से उस तरह चलाने के लिए, हीरो बनने के लिए? और वैसे भी सच में थोड़ी ना खा लेंगे जहर। पर अगर खा लिया तो लठ लेके लड़ने जाएगी अमराज से। एक बार उन्होंने प्राण छीन लिया ना तो नो रिटर्न पॉलिसी उनकी, चांस नहीं ले सकते। तो हमारे दुखों का अंत ये सुदर्शन चक्र करेगा। दुकान की चाबी दे, चाबी दे। ये उस ताले की चाबी ना है, ये उस ताले की चाबी है बहन, जो जगत सेठ हमारी दुकान पे लगाना चाहता है। और हमारी किस्मत का फैसला वो भागड़ बिल्ला जगत सेठ क्यों करेगा? हम खुद करेंगे। हम अपने पापा के मान सम्मान और मुच्छों की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। ना दिमाग कंवारा लेके जाएगी के ऊपर, अरे उनकी मूंछ के चक्कर में उनकी जिंदगी ना फिसल जाएगी हाथ से। अपने एक्शन का रिएक्शन क्या होगा ये भी तो देख ले कभी कभी। देख चाबी दे, दुकान खोलने का प्लान कैंसिल। चाबी दे उसकी जगह पे रख के आती हूँ मैं ना। देख चाबी, पापा को अगर पता चल गया ना कि चाबी गायब है तो गले में बंधा हुआ जहर खुद ही खा लेंगे। तो चाबी सुबह शाम दिन रात एक ही चीज खाएंगे क्या पापा जी? जहर। और दुकान का शटर अगर गिर गया ना तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला, सबको मिल बांट के खाना पड़ जाएगा जहर। और अगर मरना ही है तो लड़के मरते हैं ना, छोरियां हुई तो क्या हुआ, छोरों से भी अच्छे बाल काट के दिखाएंगे। और तू इतना याद रख ले, काम और सपनों का ना कोई जेंडर ना होता। अपने बाप की दुकान ना हम चलाएंगे। लूप में चल रहे कितने ये गना, बार बार एक ही बात बोले जा रही है, चाबी दे रोलना पड़ जाएगी। तो रोलना तक पड़ चुका है, मैंने तो पहले ही कही थी कि बेच दो दुकान खत्म करो, लेकिन नहीं तूने मेरे दिमाग में डाला ना कि पापा की दुकान है तो हम। फिर वो जगत सेठ ने बारूद को चिंगारी दिखा दी और मैं तो पीछे नहीं हटने वाली। तू इतना सुन ले बहन, तेरे हाथों में बिना पापा जी की तरिया बाल काटने की कला है, और जब सब ठीक हो जाएगा तो पापा जी भी मार नहीं लेंगे। सुशीला देख मेरे बाल कहाँ अटक गए। देख ना काम बाल अटक गए। चुड़ैलो जैसी हंस क्या रही है, देख ना। मुझे तो लग रहा है आज ना गोट पुट्टू से ना सुपर हिट वीडियो छूट गया, इतने फॉलोअर्स बढ़ जाते ना उसकी, उसको पेज ही क्रैश हो जाता। जब कोई रास्ता ना बचे तो तू आ जाना मेरे शरण में बच्चे।
सुशीला नहीं, सोचना भी मत, बहुत पछता कि मैं कह रही हूँ। ये बाल मुझे दे दे। सुशीला नहीं, नहीं, नहीं सुशीला, सुशीला मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, मत कर सुशीला। जहर की टिकट कट जाएगा उनका। आज ये जमीन खून से लालम लाल हो जाएगी। तूने मेरे बाल काट के मेरा फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। बदले में अगर तेरी जान चली जाए तो कसूर मेरा ना। तू रुक इधर। ना और कोई कसर रह रही हो तो बाबूलाल का ऑर्केस्ट्रा भेज देता हूँ, मेरे सर पे बैठ के बजाना। ये ले, दुकान की चाबी अब तेरे हवाले। अब तू इससे दुकान का ताला खोल या इसे घर के पिछवाड़े में गाड़ दे, तेरी मर्जी। ना, पापा ने अपनी जान की धमकी दी है, मैं पापा की जान को रिस्क में डाल सकती हूँ। देख, हम दोनों में से तू है अकल वाली, पांच नंबर हमेशा एक्स्ट्रा तेरे ही आते हैं ना। लेकिन एक बार जब तू ये चाबियां घर के पिछवाड़े में गाड़ रही होगी ना, तो एक बार जगत सेठ के बारे में जरूर सोच लियो कि कैसे उसने भरे बाजार में हमारे पापा की इंसल्ट की थी। बाकी मैं तो बचपन से ही तेरे पीछे पीछे हूं। तू कहेगी पड़ोसियों के अमरूद तोड़ा तो मैं अमरूद तोड़ लाऊंगी, तू कहेगी गंजे अंकल के चांद पे टपली मार तो मैं टपली मार आऊंगी, करीम आगे आगे सुशीला पीछे पीछे। अपनी तो डेस्टिनी ही यूं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।